फ्रेंड जैसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करने लगता हूँ और इस प्राइवेट के बटन पे क्लिक करके स्विच टू प्राइवेट करता हूँ, तो मेरे सामने एक पॉपअप शो होता है जिसमें लिखा होता है कि बिजनेस अकाउंट कांट बी प्राइवेट, यानी कि मेरा जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं हो सका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट को बड़ी आसानी से और बड़े सिंपल तरीके से प्राइवेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, स्टे विद अस दोस्तों। मेरा नाम हुसनैन, आप देख रहे हैं बैक ऑन टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है और वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड इंस्टाग्राम के अकाउंट को हम प्राइवेट करने जा रहे हैं, और जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हैं तो सिर्फ वो यूज़र जिनको आप अलाउ करते हैं, जिनको आपने भी फॉलो किया होता है, आपके अकाउंट पे जो पिक्चर्स है, कंटेंट अपलोड है, उसे देख सकता है। अदरवाइज़ कोई आउटसाइडर आपके अकाउंट पे उस कंटेंट को नहीं देख सकता। स्पेशली फीमेल के लिए यह फ़ीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि वो अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखती हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है पिक्चर्स की। और अब कुछ पब्लिक क्रिएटर भी होते हैं, तो खैर ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप अपने अकाउंट को पब्लिक या प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखें क्या बात होती है कि जैसे मैं थ्री लाइन्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ अकाउंट प्राइवेसी पर, और अकाउंट प्राइवेसी पर जाने के बाद मैं अकाउंट को प्राइवेट करने लगता हूँ तो ये पॉपअप शो होता है। तो सबसे पहले इस पॉपअप को समझ लेते हैं कि ये क्यों शो हो रहा है और हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट क्यों नहीं हो रहा। देखें इस पॉपअप के अंदर लिखा होता है कि बिज़नेस अकाउंट कांट बी प्राइवेट, यानी कि जो आपका बिज़नेस अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट, अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं, फर्स्ट स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट। पहले वो कह रहे हैं अपने अकाउंट को दोबारा पर्सनल अकाउंट पर स्विच करें। तो सारा कुछ उन्होंने इधर बता दिया है आसान लफ्ज़ों में, ये कि आपका जो अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट है। और ये कैसे पता चलता है, उसकी एक निशानी ये भी होती है कि आपको अपने अकाउंट पर, आपका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उस पर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको भी ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है तो आपका अकाउंट जो है वो प्राइवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगेन आपने इन थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी ये वाली, फॉर प्रोफेशनल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी बिजनेस टूल एंड कंट्रोल्स की, ठीक है। ये वाली ऑप्शन आपने तलाश कर लेनी है बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल के नाम से, जिसमें टूल्स का लफ्ज़ आ रहा होना, बस बेसिकली आपने वो कमांड जो है फाइंड करनी है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करके आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी स्विच अकाउंट टाइप की, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें उस पॉपअप में क्या लिखा हुआ था कि पहले अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में स्विच करें। तो यहाँ पर आप देखें टॉप पर हमारे सामने ऑप्शन आ रही है ना कि स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें ऑप्शन देगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो रही है और मेरा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में स्विच हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है कि हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में स्विच हो चुका है। अब मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो यहाँ से हट चुका है और मेरी प्रोफाइल पर वो डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा। अब हम दोबारा थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से अकाउंट प्राइवेसी पे जाते हैं, अकाउंट प्राइवेसी पे जाके प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्विच टू प्राइवेट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को बहुत सिंपल और सादा अल्फाजों में मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया है कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू।